हमने अब सम नंबर 15 निकालना है। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। तो एक जो स्ट्रेट सीधा हाईवे है वो एक टावर के फुट तक पहुंचता है, और एक आदमी जो है मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर पर खड़ा है, ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। उसे एक कार जो है 30 डिग्री के डिप्रेशन एंगल पर दिखती है, तो विच इज़ अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर पर, वो उसके फुट पर आ रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकंड के बाद। वो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है जो 30 डिग्री से चेंज होकर 60 डिग्री हो जाता है। तो फाइंड द टाइम टेकन बाई द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो वहाँ से जो हमने बताना है कि वो कार जो है कितने सेकंड बाद टावर के फुट पर पहुँच जाएगी। तो हमने ये स्ट्रेट हाईवे है, कार इज़ ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो कार यहाँ पर है, यहाँ पर आदमी खड़ा है, ये डिप्रेशन वाला एंगल 30 का है तो ये वाला एंगल भी 30 का होगा। तो उसे कार जो है 30 डिग्री के डिप्रेशन के एंगल पर दिखती है, तो कार से एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन वो भी 30 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक चलने में 6 सेकंड लगते हैं, तो 6 सेकंड के बाद वही कार इसी व्यक्ति को 60 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन पे दिखती है, यानी इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 60 डिग्री होगा तो यहाँ भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। तो हमने बताना है कि ये जो कार है फुट ऑफ द टावर पे कितनी देर में पहुँचेगी, तो हमने एक्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ए बी इज़ द हाइट ऑफ द टावर, वो एच ले ली, और सी डी इज इक्वल टू 6 सेकंड, और बी सी इज इक्वल टू एक्स, ये हमने निकालनी है। तो ट्रायंगल ए बी डी लेंगे पहले, ए बी और डी। तो ए बी ओवर बी डी इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू बी डी इन टू टेंजेंट 30 डिग्री। तो ए बी जो एच होगा इज इक्वल टू होगा बी डी, हो गया 6 सेकंड प्लस एक्स, ये बी डी हो गया 6 प्लस एक्स, ये 6 प्लस एक्स टेंजेंट 30 का मतलब √3 नीचे आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। उसके बाद हमने ये वाली ट्रायंगल ले ली ए बी सी, तो इसमें ए बी ओवर बी सी इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू बी सी इन टू टेंजेंट 60 डिग्री। तो एच इज इक्वल टू एक्स इज टू √3, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में इसमें एच की वैल्यू ये है, इसमें एच की वैल्यू ये है, तो दोनों आपस में हमने फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को इक्वलाइज कर दिया, मतलब एक्स √3 इज इक्वल टू 6x प्लस बटा √3। तो √3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो √3 इंटू √3 3 आ गया, 3x इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स, ये एक्स इधर चला गया, 3x माइनस एक्स 2x आ गया, 2x इज इक्वल टू 6 सेकंड, तो x की वैल्यू 3 सेकंड आ गई। इसका मतलब जो कार है वो फुट ऑफ द टावर पर कितने सेकंड में पहुंचेगी, 3 सेकंड में। तो नेक्स्ट जो है 16th सम है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद एन विच आर कम्प्लीमेंट्री। तो ये जो दो एंगल हैं, ये एक टावर है, ए बी एक टावर है, इसकी हाइट है, और ये यहाँ इसके बेस से एक जो पॉइंट है यहाँ से 4 मीटर दूर है और यहाँ से 9 मीटर दूर है। तो ये वाले दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों एंगल आपस में क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जिनका सम 90 हो, इसका मतलब ये थीटा है तो ये 90 में से थीटा कटा के ये वाला एंगल आ गया 90 माइनस थीटा। तो ये वाला जो हाइट है ये 4 मीटर दूर, ये 9 मीटर दूर, हमने ये पता करना है कि ये हाइट कितनी होगी। तो प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर 6 मीटर होनी चाहिए। तो हम पहले ये ट्रायंगल ले लेंगे ए बी डी, उसमें ए डी ओवर बी डी इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, तो ए डी इज इक्वल टू बी डी इंटू टेंजेंट थीटा,
तो एच ए इज इक्वल टू 4 इंटू टेन थीटा, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी जो ये वाली ट्रायंगल है ए डी सी, उसमें ए डी ओवर सी डी इज इक्वल टू टेंजेंट 90 माइनस थीटा, तो ए डी इज इक्वल टू, ये सी डी नीचे से इधर आ गया, सी डी इंटू टेंजेंट 90 माइनस थीटा, तो ए डी की जगह पे एच, सी डी की जगह पे 9, और ये टेंजेंट 90 माइनस थीटा जो होता है वो कोटेंजेंट थीटा हो गया, तो आगे कोटेंजेंट थीटा 1 ओवर टेंजेंट थीटा हो गया, तो एच इज इक्वल टू 9 ओवर टेंजेंट थीटा, ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। तो ये 1 और 2 जो है दोनों एच की वैल्यू हैं, इनको हमने इक्वलाइज कर लिया, 4 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 9 ओवर टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई हो गया, टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया 9 ओवर 4। तो स्क्वायर हटाने के बाद इसका स्क्वायर हटा दिया तो इसका स्क्वायर रूट ले लिया, 9 का स्क्वायर रूट आ गया 3 और 4 का आ गया 2, इसका मतलब टेंजेंट थीटा की वैल्यू जो है वो 3/2 आ गई। तो हमने एच इज इक्वल टू 4 टेंजेंट थीटा ले ली, टेंजेंट थीटा की जगह पे 3/2 लिख लिया, 2 2 द 4, 2 3 द 6, तो यानी कि 4 3 द 12 ओवर 2, 12 से ये कट गया, 2 6 द 12, तो हाइट जो है टावर की वो 6 मीटर आ गई। तो ये हमारा सम है 16, और ये हमारे 9th चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है। ओके।